Professionally, I am at the principal Hochi Mumbai University affiliated college. At the same time, Maharashtra Ami Jalna. National level, Kunini Bole Narendra Modi, but not Narendra Modi, but through Rajendra Singh Ji. আমাদের একটা ন্যাশনাল কনভেনশন আছে যে আমরা গঙ্গার উপরে কাজ করি। বেসিক্যালি এটার এই জন্য দরকারও পড়লো যে গঙ্গা মিশনের, কেন কি আপনারা আগেই জানেন যে নমামি গঙ্গার যেগুলো শুরু হয়েছে ওতেও কতটা ওর কাজ হতে পারছে ওটা জানি না, বাট আমরা এটা ভাবি যে বিইং সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমাদেরও কিছু রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে দেশের দিকে, ওটার জন্যে আমরা চাই যে ঠিকভাবে মানে যারা ঘটক আছে, লাইক মেহেন্দি মে বলু যে উচ্চারেগা আপনাদের हम लोग जैसे हिंदुस्तान के सिटीजन है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है कि अपने देश की नदियों को ठीक करने के लिए और रखने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए आज हमारे देश में कहीं भी नदी के लिए लिखाई पढ़ाई या नदी का किसी भी तरीके से कोई जो सही ढंग से जो एजुकेशन देना वो आज भी हमारे एजुकेशन के करिकुलम में भी नहीं है, किधर भी नहीं है। इसी और देख रहे हैं जिस तरह से आज पूरी दुनिया भर में, खाली हिंदुस्तान ही नहीं, त्रिपुरा ही नहीं, पूरे दुनिया भर में पानी का इश्यू बहुत जटिल होता जा रहा है। स्केयरसिटी ऑफ वाटर, इट इज बिकमिंग ग्लोबल क्राइसिस। तो उसी लिए जब हम लोग, अभी मैं मेंबर हूँ वर्ल्ड वाटर काउंसिल की भी, जहाँ हर साल फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी डोमिनेट करती है दिस वर्ल्ड वाटर काउंसिल को, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर इज बीइंग नाउ कंसिडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको भी किस तरह से डोमिनेट करके कॉर्पोरेट कोको कोला, नेस्ले, पेप्सी, ये लोगों ने ये जो एक्वीफर्स है, ग्राउंड के अंदर जो पानी जिसमें रहता है जमा होके, दैट इज कॉल्ड एज एक्वीफर्स, उसको भी अभी कॉर्पोरेट्स ने खरीदना शुरू कर दिया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि बॉटल में हम लोग पानी पीते थे, मिनरल वाटर के नाम पर भी अगर आप चेक करो तो उसमें मिनरल नहीं है, ये सब सिचुएशन है। साथ साथ अभी अगर कोलकाता देखो, जिस जहाँ पे कि बहुत पानी है, जहाँ अगर हम लोग देखते हैं हर घर में पुकुर है, एक छोटा छोटा पॉन्ड होता है, वहां पर भी देखा जा रहा है पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। वहां पे इधर आर्सेनिक, फ्लोराइड या आयरन से त्रस्त लोग हैं। आपके यहाँ पे भी पानी बहुत है लेकिन यहाँ पर वही आयरन और आर्सेनिक का प्रॉब्लम है। तो जहां पानी है वहां पानी दूषित है, जहां पानी नहीं है तो अभी। और दूसरा है कि नदी, अगर हम देखें तो दुनिया